ए ऐसे कैसे नहा लूं? हाँ तूने बोल दिया नहा लो, मुझे ठंड नहीं लगती क्या? मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? छोड़ दिया लड़कियों पे लाइन मारना, जिसको स्मार्ट वीएफ की जरूरत होगी वो खुद चल कर आएगी। ऐसे तो सेटिंग ना होगी, फिर भी। अरे एक जाना बोला था ना घर से उठा लूंगा बगा। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो एक नोट रख लो। बचपन की मासूमियत कहाँ गुम हो गई, ये तब पता लगा जब चोट लगने पर ओ मम्मी की जगह इसकी माँ की निकलने लगा। खत्म हो गई मासूमियत। हे भगवान इतना भी कोहरा ना कीजिए कि छत से पड़ोसन दिखना ही बंद हो जाए। दो दिन से जा रहा हूँ कोहरे के चक्कर में, पड़ोसन न दिख रही। हम लड़के हैं जनाब, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें लड़का ही पैदा करा है। चंग इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी क्यों? अरे अजीब सवाल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए कि सर्दी बढ़ गई। अरे भाई हमें क्या पता सर्दी, सर्दी हर जगह बढ़ रही है, हम का हम ही जिम्मेदार हैं, तुम हमसे पीछे पड़े हो यार। शराब पीकर आने के कारण बाप ने बेटे को दो डाला, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शराब पीकर कौन आया। कौन आया यही तो समझ में ना आ रहा। करने को तो मैं भी एग्जाम में टॉप कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ न्यूज़पेपर में फोटो अच्छी नहीं आएगी ना। तीन दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आ। हाँ ठीक है टाइम बता देना। ये अंकित है मेरे भाई और मेरा नाम निखिल है, फॉलो कर लियो। कैमरामैन निकेश पॉल कर रहा हूँ। डियर गर्ल्स तुम्हें कौन सी बिल्डिंग से धक्का दूं ताकि तुम मेरे प्यार में गिर जाओ? वो वाली टॉप फ्लोर वाली। खत्म खत्म आया फिर भी करवाते भाई की। चलो मान लेते हैं लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, तो लड़कों को कौन सा खाना बनाना आता है? वैन ले मीठा कर कुछ पाने की हो। क्यों? अरे तू खा बस। पर हुआ क्या? अरे मैंने कल से सोच रखा था कि किसी जानवर को अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो सरदर्द बन जाइए मेरी तरह। जावेद को कॉल करता हूँ। हेलो जावेद, पार्क की तरफ खड़ा हूँ, जल्दी से आ जा। दानिश को भी कर लेता हूँ। हाँ दानिश पार्क की तरफ खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ बोल, किससे लड़ाई हुई है? लड़ाई नहीं हुई है, ये 500 ईंटें पड़ी है, ये ऊपर लेके चलनी है। मकान बन गया यार, अब्बा कह रहे हो तू लेके चल, मैं इकला कैसे लेके जाऊँ? मैंने अपने यारों को कॉल कर ली। अरे भाई यार काट दिया, चल लपट लपट। भाई
उस रईस को देखना जरा, आता है और खाली पुकट मारते ही रहता है, उसको जरा देख। जा बुला के लेके आ। भाई ये देख आया। अरे कुछ बोल। क्या बोलू, तूने बोला खाली उसको देख। भाई अकेले क्यों बैठे हो, सब अपनी सेटिंग से मिलने चले गए। अरे भाई इतनी ठंड क्यों है? क्योंकि भाई गर्मियां छोड़ के चली गई। दिल टूट सा गया मेरा जब मामा ने कही, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह भगवान से क्या मांग रही है? अरे सासू माँ, मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हर किसी को आपके जैसी सास मिले। अच्छा हाँ, आखिर मैं अकेली क्यों झेलू। तीन दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। पर हमारे घर तो कार्ड ही नहीं आया। तुम मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बच्चों को पैसे देकर खुद को पापा बुलवाऊंगा। आजकल ठंड इतनी बढ़ गई है कि मच्छर भी कान में आकर बोला, भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। बात तो सही है। भाई तूने कुत्ता नहीं पालिया? नहीं भाई। फिर क्या पालिया? भैंस। बस में खाली सीट नहीं मिलती, सच्चा प्यार क्या खाक मिलेगा। बात तो सही है, दिल से बुरा लगता भाई। तेरी बात तेरी।